चाहूंगी दोनों फिल्मों के बारे में और प्रोडक्शन हाउस के बारे में। नमस्कार, मेरी जो कंपनी है उसका नाम है आई एम प्लस डिजिटल थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो मेन कार है वो कार है, हम पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी तक हमारी कंपनी ने 2007 से लेकर अभी तक करीब 50 फिल्मों का वितरण किया है, जिसमें आप द फॉनर, दशहरा, काशी, फिर भोजपुरी हो, बंगाली हो, साउथ इंडियंस हो, लगभग सारी लैंग्वेज में हम लोग रिलीज करते हैं, फिल्म को रिलीज़ करते हैं और उसका पूरा डिजिटल बाइंग करते हैं। इसी सिलसिले में मिस्टर जावेद हैं मेरे पुराने मित्र, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई बेबस की। मुझे मौका मिला अहमका जी के साथ सुनने का, कहानी बहुत अच्छी लगी और लगा कि ये कला कहानी कुछ कहना चाहती है और कह सकती है, तो इसके अप्रूवल्स हमने दिए कि भाई आप बनाइए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण जो भी रहेगा, एक कास्ट जो है वो हम पे करेंगे, आप कार कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको पसंद किया और आगे बढ़ाया। क्या क्या आपको खासियत लगी फिल्म में, जो आपने कहा कि हाँ मैं जुड़ रहा हूँ इस फिल्म से, कोई खासियत, कोई खास लगाव इस कहानी से, अगर कुछ शेयर करें? देखिए, अभी तो कहानी की शुरुआत है और अक्सर कहते हैं कि जब रिजल्ट आता है तभी पता लगता है, बट इस कहानी में एक किरदार है और वो किरदार हर सीन में जिस तरह शेड बदल रहा है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि अगर इसे परफॉर्म किया जाए जैसा सुनाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, तो एक बेहतरीन अदाकारी की फिल्म होगी और आज की फिल्म से थोड़ा आयदा होगी और लोगों को पसंद आएगी। जी, अगर कुछ स्टार कास्ट फाइनलाइज हो गए हो तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे बारे में? देखिए, स्टार कास्ट के लिए तो हमने फ्रीडम दिया हुआ है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि फिल्म कहानी से चलती है। कलाकार पहली बार लोगों को बुलाते हैं थिएटर तक, लेकिन चलेगी फिल्म तभी जब फिल्म बेहतर होगी। तो हमारा उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य ये है कि फिल्म बेहतर बने। कुछ सजेशन हमने दिए हैं, अब वो प्रोडक्शन टीम्स और सारी चीज़ पर रिसर्च कर रही है, जब फाइनल हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। मैम, ऊर्जा फिल्म की तरफ से वी आर प्रेजेंटिंग। तो अगर मैं विभत्स की बात करूँ तो जैसे कि सर ने बोला, काफ़ी नया स्टोरी है। अगर आजकल की मूवी में देखा जाएगा तो उसे ट्रेंड से थोड़ा अलग है और काफ़ी यूनिकनेस है मूवी में। और जैसे कि जो शेड्स हैं करेक्टर में, वो कस्टमर, वो जो भी सामने ऑडियंस होगा उसको इंगेज करके रखेगा। जरा ये बताएंगे कि ऊर्जा फिल्म्स और बड़का भैया टॉकीज जो है किस प्रकार से एक दूसरे से मिले? एक्चुअली मैं सेम प्रोफेशन से हूँ, आई एम कॉस्ट्यूम डिजाइनर बाय प्रोफेशन। सो मैं ऑलरेडी कुछ सर्च कर रही थी कि कुछ अच्छा स्टोरी मिले जो कुछ अलग हो, तो काफ़ी टाइम से सर्च चल रहा था और अचानक से मेरा जावेद सर से कॉन्टेक्ट हुआ। बैठ के हमें अगर सर से बात हुई तो ये स्टोरी के बारे में पता चला, स्टोरी अच्छा लगा तो हमने सोचा कि आगे बढ़ते हैं दोनों मिलके, वैसे स्टार्ट किया गया। शूटिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहे, कब से शूटिंग स्टार्ट होगी, लोकेशंस अगर कुछ फाइनलाइज हो गए? लोकेशंस अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन मार्च एंड अप्रैल में हम लोगों का शूट का प्लान है। सर, आज एक गाना भी शायद यहां रिकॉर्ड हो रहा है, अगर बता सके कि किस फिल्म के लिए हो रहा है? दो फिल्म तो मुझे तो, किस फिल्म के लिए? विवश के लिए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत-बहुत बधाई आपको, आपकी दो फिल्म की अनाउंसमेंट की जा रही है। आपके शब्दों में दोनों फिल्म के बारे में मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले। जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सब यहां पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो दो फिल्म है, एक विभत्स और दूसरा 3:3 AM, तो आज विभत्स का हम लोग गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तैयारी है अपना, कुछ अच्छा नया चीज़ है मार्केट में देने के लिए। सैड है बहुत सारे इस फिल्म के अंदर, हर करेक्टर, हर किरदार अपने जगह पे एक अहम भूमिका में है, मतलब हमारा कोई भी करेक्टर दबा हुआ नहीं है, चाहे वो एक ही सीन का क्यों ना हो। चीज़ अच्छा बना रहे हैं, बाकी
देखते हैं कहाँ तक पब्लिक को पसंद आता है, सारा डिपेंड ऑडियंस पे होता है। एक और पोस्टर है 3:33 वाला सर। जी 3:33 वाला है। इसके बाद मतलब पहले तो हम लोग ये मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में लेकर के जा रहे हैं विभत्स, फिर उसके बाद जुलाई में हमारा जाएगा 3:33 AM। सर दोनों फिल्म में अगर पोस्टर देख के बताऊं तो मुझे लग रहा है कि थ्रिलर होगा या हॉरर होगा, इस तरह की लग रही है सर दोनों फिल्म। जी एक तो है साइको थ्रिलर और दूसरा है सस्पेंस थ्रिलर। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ प्रोजेक्ट का। जो हमारी प्रोजेक्ट है विभत्स, ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन वन है और इसको हम मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में लेकर के जाएंगे ऑन सेट। इस विभत्स के लिए हितेन तेजवानी सर को फाइनल कर दिया गया है एंड ही इज़ प्लेइंग द मेन लीड इन इट एंड आई विल बी इन अ नेगेटिव लीड ओवर देयर। एंड सर जैसे आपको पता ही है डायरेक्टर डायरेक्शन सर कर रहे हैं। प्रोड्यूसर में राजेश्वरी मैम है हमारे साथ जो ऊर्जा से जुड़ी हुई है, मैं भी हूँ। और ईपी में हमारे साथ अब्दुल भाई है और मन्नान सैयद है हमारे साथ। लाइन प्रोड्यूसर में हमारे साथ काफ़ी लंबी बड़ी टीम है, सतवीर है एडी में, आलोक है एडी में, तो अभी सारी टीम का तो नाम गिनाना पॉसिबल नहीं होगा। ये शूट पूरा का पूरा उत्तराखंड में होगा, देहरादून मसूरी नैनीताल, इसको ही हम फोकस करेंगे क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है स्टोरी का वो पूरा का पूरा उत्तराखंड से है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स कहते हैं देवों की नगरी उत्तराखंड को कहते हैं और बहुत ही सुंदर जगह है जिसको अभी तक एक्सप्लोर किया गया। जी मसूरी बहुत एक्सप्लोर हुआ है बट दे आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन देहरादून जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो हमारा बेसिक जो थॉट है वो उसी को कैप्चर करने का है। स्टोरी पे आते हैं तो विभत्स की स्टोरी सबसे पहले लेते हैं। तो इट्स अ वेरी ग्रे शेड मूवी आप कह सकते हैं बट इसका स्क्रीन प्ले बहुत लाइट है। तो ओवरऑल जो फिल्म है ये लोगों को एक अपने सीट से हिलने नहीं देगी। कहते हैं कि किसी भी सिनेमा का 5 फ्रेम बता देता है कि सिनेमा किस जोनर की है, किस जोन की है और ऑडियंस इसको कैसे बैठ के देख सकती है। तो ये सिनेमा जो है वो सीट के एज पर बैठने वाली है और साफ सुथरी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, पूरा परिवार बैठ के एक साथ देख सकता है। तो इस पर ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है। बिल्कुल सर, कहावत है कि जब टीम मजबूत होता है, एक परिवार बनता है तो दो नहीं चार को ले जा सकते हैं करने के लिए। तो हमारा टीम खूबी रखता है करने के लिए और साथ में हमारे साथ में दिलीप मिस्त्री जी बैठे हुए जो मास्टर जी हैं, डांस डायरेक्टर बेहतरीन। तो ऐसे हैं कुछ चुनिंदा लोग जैसे अब्दुल रहमान खान हो गए हमारे साथ में, इन्होंने तुरबाज वगैरह किया है सारी चीज़ें। मन्नान सैयद जी हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे अमजद भगड़वा जी हैं, राकेश भदुरिया जी साथ में आई हैं। फिल्म बेचने का टेंशन है नहीं, एग्रीमेंट पहले हो चुका है। सबसे बड़ा चीज़ ये सबसे पहले तो सुधा मैम हैं और राकेश भदुरिया जी हैं, तो मतलब टेंशन फ्री होकर के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने का रास्ता है और उसको कोशिश कर रहे हैं और उस रब के कर्म से अच्छा बनेगा। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट करूँ, आपका एक सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों कैसे मिले। आज के माहौल में जिस तरह से समाज चल रहा है तो हम दोनों ने बहुत, आज हमारी दोस्ती 12 साल पुरानी है। जब मैं मिला था इनसे तो मेरी दाढ़ी नहीं आती थी और इनके सारी दाढ़ी काली हुआ करती थी, अब तब से साथ है। और तभी हमने डिसाइड किया था कि जो ये धर्म और जाति को लेकर के लोग मतभेद करते और ये सब करते हैं, इन सब से हम परे रहेंगे और परे उठकर काम करेंगे। बिकॉज आर्ट का कोई धर्म नहीं होता, आर्ट का कोई मजहब नहीं होता और इसलिए ये अमेकर और जावेद की जोड़ी आपको हमेशा देखने को मिलेगी और आगे भी अच्छा रहेगा, हमेशा मिलती रहेगी। 12 साल का जो वक्त लग गया, इस बीच में मैम हमने काफ़ी कुछ किया, काम किया, हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी स्टडी की और दिस ये ऐसा नहीं है कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसके पहले भी किया गया है, हमें कहीं भी देख सकते हैं। और आज हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहते हैं नेटवर्क की इशू होने की वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया वरना यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह सबका था। एंड वेबसाइट लॉन्च हमारा हो चुका है, 48 आवर्स में हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, बड़का भैया का वेबसाइट। ऊर्जा का वेबसाइट अगले 2 से 3 हफ्ते में हम लॉन्च करने वाले हैं। फिल्म का आप IMDB पे जो भी सोर्स जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो सब आपको कल आज रात 12 बजे से या कल 12 बजे रात से आपको सारी डिटेल सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगी। और आज हमने एक बड़ा ही प्यारा गाना रिकॉर्ड किया है, प्रिया मलिक जी ने गाया है उसको और बड़ा ब्यूटीफुल वॉइस सी है। जैसे आप वॉक इन करे होंगे तो आपने वो आवाज़ सुनी होगी उनकी, इतनी प्यारी आवाज़ है और बहुत ही मज़ेदार गाना है।
जब अमजद भाई आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा और मैम को कि दो थोड़ा गुनगुना के सुना भी दें। लेकिन सर इस बीच में बड़का भैया बहुत शानदार नाम दिख रहा है और शानदार इसका जो है लोगो भी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं सर किस प्रकार से बड़का भैया कहाँ से आया। बड़का भैया बताया आपको कि हमारा जो टीम है एक परिवार की तरह है। बड़का भैया एक दूसरे को जो छोटा है अपने से बड़े को अक्सर भैया बोलता है या भाई बोलता है, तो उसी हिसाब से सिलसिला चला आ रहा है। काफ़ी पुराना टीम है तो बोले यूनिक चीज़ है बड़का भैया। वैसे भी हम लोग का संस्कार उत्तर प्रदेश का है रहने वाले, तो वहाँ पे बड़े भाई को सब बड़का भैया बोलते हैं। बिहार में बड़का भैया सब बोलता है अपने बड़े भाई को। एग्जैक्टली तो इस सिस्टम से चल रहा है। जी सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे और किस प्रकार से इस फिल्मों में जुड़े हैं? मैं जावेद सर से काफ़ी दिनों से मतलब मिलते रहा मतलब, और इनकी फिल्म में जो गाने हैं ना मैंने सुना बहुत अच्छा है। मतलब कुछ अच्छा करने के लिए जावेद सर ने मतलब इतना हेल्प करके मुझे बोला क्या गाने ऐसा है तो मैं गाना सुना, मेरे को बहुत अच्छे लगे गाने। और सर तो कमाल कमाल है कमाल कमाल। इस बीच में ये भी जान चाहेंगे सर दो फिल्म है, दोनों फिल्म में आप एक्टिंग करते दिखेंगे? सर अभी तो विभत्स में है फिलहाल, एक विभत्स फाइनल है उसके लिए सोचा जाएगा। क्योंकि सर क्या है किरदार पे अगर शूट करे कर कोई करे तो ही करने का मजा बनता है, वरना बिना मतलब करने का, क्योंकि उस किरदार के साथ अगर जस्टिस नहीं हुआ तो फिर वो क्या किरदार और वो क्या काम। बिल्कुल थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ही प्यारा ट्रैक है, बहुत फन लविंग ट्रैक है जो आज के ट्रेंड म्यूज़िक के हिसाब से इसे बनाया गया है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर जावेद सर, अमेरिका सर एंड स्पेशली अमजद भाई कि इन्होंने मेरी आवाज़ को उसके लिए सेलेक्ट किया। और जब मैंने सुना था तभी आप एक गाने से सुनने के बाद आप यू नो आपको एक वाइब आ जाती है कि कैसा होने वाला है, तो मुझे लगता है जब ये रिलीज़ होगा तो सारे लोगों की जुबान पे होगा और सोशल मीडिया का ज़माना है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये ट्रेंड में भी चला जाएगा क्योंकि ऐसा गाना है आज की यूथ का गाना है और ज़िंदगी को खुल के जीने वाला गाना है। तो आई थिंक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, हमने अभी रिकॉर्ड किया है और बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसका हिस्सा हूँ और वंस अगेन बहुत अच्छा गाती हैं और ज़बरदस्त गाया है उन्होंने। क्लब सॉन्ग है, मैं अमजद बागड़ा हूँ मेरा नाम, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ फिल्म का और एज ए सिंगर एज ए कंपोज़र इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। जैसे फिल्म फुकरे का टाइटल सॉन्ग मेरा गाया है, फुक फुक फुकरे फुक फुकरे बागाबूत। तो और चलते रिश्क में गदर टू के लिए भी मैंने अपने आवाज़ कोर्स और अलाप में दी है। और जहाँ सर अमेश जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे टैलेंट को परखा और फिल्म का म्यूज़िक देने का मुझे मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है उसके हिसाब से हमने काम किया। ये हमारा जो क्लब सॉन्ग है ये जावेद अली जी गाएंगे और जावेद अली जी के साथ प्रिया जी हैं। हाँ जावेद अली जी गाएंगे, उनको गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने गाना मंगवाया मुझसे और कहा कि मैं डेट देता हूँ, फिर उन्होंने डेट दी है उसको हम डब करेंगे। हाँ तो जावेद अली जी के साथ प्रिया जी को इनकी वॉइस दोनों की जो मिल के आएगी तो ऐसा हमें विश्वास है, ऐसा लगता है दिल में कि कुछ धमाका बड़ा होगा। और खूबसूरत खूबसूरत लिखा है हमारे रितेश जी ने लिखा है, बहुत रितेश रहे जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखा है। आप बताइए रितेश जी कुछ। हाँ मेरा तो इतना ही है कि अमजद भाई के साथ वैसे भी काफ़ी गाने लिखे हैं पहले भी, इन्होंने बताया था सिचुएशन बता दी थी और मैंने लिख के इनको दे दिया, इन्हें पसंद आ गया। अच्छा इसकी स्टोरी एक बहुत कमाल है, जब अभी हम डब कर रहे थे तो रितेश जी ने बताया कि जब इनको कॉल आया कि हमें गाना लिखना है तो उस टाइम वो घूम रहे थे पहाड़ों में, तो वो हाँ तो पहाड़ों में घूम के उन्होंने लिखा, इसलिए आई थिंक वो जीलो जिंदगी जो इन्होंने उनके दिमाग में आया तो ही वाज ऑन अ वेकेशन ऑन दैट टाइम और वेकेशन पे इन्होंने फिर लिख के भेजा जियो जिंदगी। तो आई थिंक ये ऑल टुगेदर बहुत ही कमाल का ट्रैक बनने वाला है और भी बहुत सारे गाने हैं बट मैं स्पेशली इस सॉन्ग का हिस्सा हूँ और ऑफ कोर्स जावेद सर के साथ मुझे गाने का मौका मिल रहा है, बड़ी बात है। तो आई थिंक बिना देर किए हमें गुनगुनाना चाहिए। यू स्टार्ट आल जॉइन दी कदिया वो नीरा सिला मारे देश
हक दिया वो नीरसीला मरे दे तू 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 जी ले 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 जिंदगी ई ई ई ई ई तू 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 जी ले 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 जिंदगी ई ई ई ई ई सुबह से लेकर सब न न न न न न जियो ना जिंदगी ई ई ई ई है जन्नत यही ही ही रह जाए ना यूं ही 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 ये ख्वाहिश है तेरी ई ई ई ई ई ई समझो ना हो यारा ये पल है बस हमारा इस पल में तुम खुल के जी लो जियो ना जिंदगी ई ई ई ई ई है जन्नत यही ही 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 है जाए ना कहीं ये ख्वाहिश है तेरी ई ई ई ई ई ई तो ये बस टीज़र है गाने का जब आप पूरा गाना सुनेंगे म्यूजिक के साथ तो बहुत मजा आएगा थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू ओके आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़के भैया टाकिस का बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट किया अमित जी ने जावेद जी ने और इस फिल्म से जुड़े हुए हैं डेफिनेटली और विभत से और 3 3 mm दोनों फिल्में हैं जो काफ़ी अपने आप में एक बहुत चुनिंदा और उम्दा फिल्में हैं सब्जेक्ट मैंने सुना था जावेद भाई से और जावेद भाई अपने आप में एक अच्छे डायरेक्टर हैं और उनका कमाल काम है अमित की राइटिंग्स बहुत अच्छी है और मैं तो फ़ैन हूँ उनका और मुझे मौका मिला है इसमें काम करने का लेकिन अभी कैरेक्टर्स में नहीं बता पाऊँगा और कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि बांध के रखी हैं बाद में ओपन की जाएंगी तो बस यही खुशी की बात है कि बड़के भैया टॉकीज से जुड़ा हूँ और जावेद जी के और अमित जी के साथ में काम कर रहा हूँ और इस बात की खुशी है मुझे थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर बहुत खूब मूवी है सस्पेंसफुल मूवी है एंड बहुत अच्छी राइटिंग है अमय सर की जैसे सर ने कहा बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है फिल्म में एंड जावेद सर एकदम बेहतरीन डायरेक्टर है उनके अंडर में ये मूवी बनने वाली है सो बहुत बेस्ट मूवी होगी नहीं अभी तक कुछ पता नहीं अल्टीमेटली फिल्म की कहानी जो है अभी डायरेक्टर्स अभी बिकॉज ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग है एक मुहूर्त है और इसके बाद फिल्म की अभी कास्टिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी ज़रूरत हैं उसमें और हाँ तो बेस ये स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और कहते ना कि जब जुड़ते जाइए कारवा बनता जाता है बस यही खुशी की है कि एक अच्छी फिल्म बन रही है और एक अच्छी सिनेमा हम देने वाले हैं दर्शकों को आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे बस जी सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप मल्टीपल टैलेंट है आपके पास आपके कौन से टैलेंट को यूज करने वाले हैं धन्यवाद सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहता हूँ और सबसे खूबसूरत बात यह है ये जो संगम हुआ है और ऊर्जा बोलते हैं ना जिसको शक्ति बोलते हैं ऊर्जा फिल्म्स एंटरटेनमेंट और हमारे बड़का भैया टॉकीज़ तो ये दोनों का संगम जो है बहुत ही अद्भुत है और इनके दोनों के संगम से जो पिक्चर बनने वाली है उसकी कथा जो राइटर हैं हमारे अम्बेडकर प्रकाश सर जी हैं इनके डायरेक्टर जो हैं हमारे जावेद हाशमी जी हैं और बाकी सभी टीम जो है ना एकदम मजबूत तरह से काम कर रहे हैं और इस फिल्म में मैं जो है एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा कर रहा हूँ जो जावेद सर की और अम्बेडकर सर की जो है वो देन है उन्होंने इस लाइक मुझे समझे और मुझे ये रोल ऑफर किए और मैं सर आपको जज बनना चाहिए था ना सर जज बनना चाहिए गलती हो गई क्या नहीं गलती तो नहीं हुई है कमले जी अच्छे एक्टर हैं बहुत ही अच्छा काम उन्होंने दिया है और मेरा रोल भी है एकदम बोलते ना व्यवहार कुशल और ईमानदार ऑफिसर का कुछ चेहरे निकल के आएंगे इस फिल्म के बाद और उसका टाइटल ट्रैक भी उन्होंने ही लिखा है अरे क्या बात है राइटर अगर आप इजाजत दे तो मैं दो लाइन बिल्कुल अभी देखिए विभत का टाइटल सॉन्ग है जो मैंने कोशिश की लिखने की तांडव बेस और तांडव बेस है तो दो लाइन में सुनाता हूँ आपको वो देख रहे हैं थोड़ा फाइनली सबकी तरफ से आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से बड़के भैया टॉकीज़ और ऊर्जा फिल्म को मैं
बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ कि ये फिल्म अल्टीमेटली और हिट हो, सुपर हिट बने। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप इस फिल्म से? किस मेरा तो ऐसा है कि ऑडिशन देने आया था मैं, तो सर को शायद अच्छा लगा हमारा ऑडिशन, तो इसलिए सिलेक्ट किया गया। बाकी जावेद सर का नाम सुना है मैंने, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो बाकी ये मेरी फ्यून से हैं, ये बताएंगे इनका फिर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जिस तरीके से इस मूवी का नाम दिया गया है विभत्स, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि लाइक क्या क्या होता है। एंड वी आर रियली थैंकफुल कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम इस मूवी के साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं, और आई होप कि आगे जाकर सब कुछ अच्छा हो और एक बड़े स्क्रीन पर ये मूवी आए तो सबको अच्छा लगे। थैंक यू। मैं काया पलट मैं खाना था शाबाश, काया पलट कर देता मैं शाबाश 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 आई बोले मैं मास्टर है मास्टर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, स्वागत है आप लोगों का भी। थैंक यू, आप लोगों ने वक्त निकाला, आप लोग आए, और बाकी तो आप लोगों का काम, अब मैं क्या ही बोलूं सर, आपका काम बहुत अच्छा, तभी आपकी पहचान है। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। आपने फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया है, कुछ अगर शेयर करना चाहे अपने विचार इस फिल्म के लिए? देखिए मैं अगर कुछ भी शेयर करूंगा तो दो लोग यहाँ मेरे सर के ऊपर खड़े हैं, वो बोलेंगे कि आपने तो सब कुछ बता दिया, तो मैं क्या बोलूँ। तो मेरे राइटर और डायरेक्टर हैं यहाँ पे, प्लीज़ मैं चाहूँगा कि वो आपको थोड़ा बताएं, थोड़ा ब्रीफ करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरा ग्राफ देखा है तो मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं हम कुछ हट के कर रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई में कुछ अलग है, इसीलिए आई एम ऑन। तो ये मैं इतना बोलूँगा, बाकी मेरे राइटर और मेरे डायरेक्टर आपको पूरा ब्रीफ बताएंगे, पूरी स्टोरी बताएंगे। स्टोरी बताओगे क्या? नहीं ना, आपको एक शॉर्ट में बता देंगे कि एक्चुअली क्या है, व्हाट इज दिस होल फिल्म अबाउट। बट मैं अपना कैरेक्टर बोलूँगा, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, मुझे कल मुझे नरेशन मिला और मज़ा आया, सुनने में भी मजा आया, तो अब उसे करने में भी मजा आएगा, मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं तो मतलब डे फर्स्ट से प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ, इट वॉज लाइक कि बस मेरे भाई का प्रोजेक्ट बन जाए मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ, और कुछ नहीं। जी मम्मी आप बताइए। मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी, तुम लोग खुद देखोगे। हाँ, देखने के बाद मौका रहेगा बोलने का। बाकी तो आई थिंक आपने बता ही दिया होगा, आप लोगों ने सब पूरा भी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट, बट अलग चीज़ है। और हर बार कोशिश यही रहती है मेरी कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, तो हमेशा यू नो साथ चलना चाहिए, साथ देना चाहिए, तो वही है। इस प्रोजेक्ट से समाज में क्या मैसेज जाएगा, या तीन चार क्या लगा कि ये मेरे को करना चाहिए कुछ थोड़ा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हर एक फिल्म जो भी बनती है या जो भी हम बनाते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक मैसेज दें हमारी ऑडियंस को। तो इसमें भी एक एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैंने बोल दिया तो आप लोगों को स्टोरी पता चल जाएगी, सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके मेन पॉइंट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं लोगों के लिए, जो आजकल चलन चल रहा है, जो आजकल हो रहा है उसके खिलाफ, या उसको कैसे सुधारा जा सकता है, या वो नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, बहुत अच्छा मैसेज है। तो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। देखिए क्या है कि सबका फ़र्ज़ होता है कि कुछ मैसेज दें, कुछ अच्छा करें। अब सीखना, वो नहीं सीखना, या उसे अपने अंदर कैसे लेना है, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब आप लोगों के ऊपर है। तो अब कौन उसे किस तरीके से लेता है और कैसे उसे इफ़ेक्ट करता है, ये पूरी फिल्म उसी के ऊपर है। और आपके फैंस वेट कर रहे हैं, कुछ आपके पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट? बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एक फिल्म कंप्लीट करके आया हूँ भोपाल और कानपुर में, वो भी बहुत बढ़िया, अलग ही चीज़ है वो। और आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल एनडीए होता है, तो उसमें हम बात ही नहीं कर सकते, जब तक वो अनाउंस नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं कर सकता। बट हाँ, एक वेब सीरीज़ है, एक फिल्म है, अभी एक फिल्म है, अभी इस बीच में अभी कल परसों शायद अभी आज ही हुआ है तो उत्तराखंड जाना है एक और फिल्म के लिए, उसकी शूटिंग मैंने यहाँ की थी। तो अब
आप मुझे फिल्मों में देखेंगे। टीवी के ऑडियंस बहुत वेट कर रहे हैं कि कब आप वापसी करेंगे। टीवी का ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूँगा कि मैं टीवी को कभी भी मना नहीं करता। कुछ अच्छा आएगा और मेरे पास वक्त होगा, क्योंकि टीवी कमिटमेंट का मीडियम है, मतलब वहाँ पे आपको वाकई में पूरा टाइम देना पड़ता है। अगर आप टीवी करोगे तो आप फिल्म नहीं कर सकते, आप वेब सीरीज़ नहीं कर सकते। अब फिल्म और वेब सीरीज़ ऐसे होने लगे हैं, ऐसे मुद्दे, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज और ऐसी फिल्में बन रही हैं, अगर उसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो एक छोटा सा ब्रेक है टीवी से, जैसे ही मौका मिलेगा वापस कुछ करूँगा। जैसे अभी मैंने पश्मीना किया, दैट वॉज अ वेरी शॉर्ट स्टिंट था मेरा, मतलब 3 महीने शूटिंग की मैंने, मार्च तक चलेगा वो, अभी तक आप देख रहे होंगे सोनी सब पे चल रहा है अभी तक। तो ऐसे ही कुछ करूँगा 3-4 महीने का, और उसके बाद वापस। प्यार तो यही है फिल्म में, कहीं ना कहीं फिल्म में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब अलग अलग ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, बिकॉज द होल थिंग इज कि कंटेंट ही जो है वो अभी किंग हो गया। एक अच्छा सब्जेक्ट वो लोग देखते हैं, और लोगों को देखना है, लोगों ने बहुत देख लिया, मतलब वही सेम चीज़ें जो हम इतने टाइम से कर रहे थे, या कहीं से इंग्लिश में से उठा लिया, चेप दिया, कहीं यहाँ से ले लिया, चेप दिया, डाल दिया, अब दो चीज़ें मिल मिक्स करके, लेकिन कुछ अलग आएगा तो डेफिनेटली लोग देखना चाहेंगे। कोई रियलिटी शो में अगर जाना हो तो देखते हैं, आपको देखा नहीं। बिग बॉस कर लिया उसने, समझो बहुत कुछ कर लिया, और उसमें मैं 77 डेज रह के आया हूँ, तो आप सोच सकते हैं। बट हाँ, अगर कुछ अच्छा मिला, मेरी कोशिश है खतरों के खिलाड़ी करने की, बट पता नहीं, अभी रोहित सर जब बुलाएंगे तब जाऊंगा। थैंक यू सो मच। हो गया, बाद में लेते हैं, पहले चलो सर, वो आपका मोबाइल आ जाएगा, आप आ जाओ थोड़ा सा, बस बच्चा थोड़ा सा वेरी नाइस, एक नंबर फ्रेम है, फोटो मार लिया छोटू तो।